जो का मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से कुछ स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको, नतीजों को भी ध्यान में रखते हुए, फेस्टिव डिमांड को ध्यान में रखते हुए? Yeah, certainly. For minimum 1 to 3 years, I firmly believe that these four stocks can create a lot of wealth. One is Andhra Sugar. The name is sugar, but it is a second largest producer of caustic soda. It's a beautiful company. 55 decades it has been giving dividend consistently. The second is MOIL. After the government buyback, the government stake has come down to 75%, and this company has got three new mines. Manganese ore mines. Now today it has got 81 million tons of reserves of manganese ore and a lot of cash on the book. I feel in next 3 years it will be a solid multi-bagger. Third, MRF. I have initiated long back at a very low price, but still it is trading at around 12 PE. We have officially given around 65,000 rupee target in the medium term. In 3 to 5 years, we are giving a target of almost 1 lakh rupee, because still valuation wise it is trading only around 12 PE. Fourth one, Karur Vysya Bank. It is now cum split. It is one of the four banks in the country to have a net NPA less than 1%. It's giving a very good dividend, and in the tough time also it has posted very impressive profits. So these are the stocks I firmly believe that in 1 to 3 years the retail investors can create a lot of wealth. In most of the stocks I have also personally invested. इस बीच एक बार महानगर गैस को देखिए, ये करीब 4% ऊपर इसने फिर से एक नया हाई हिट किया है 789 पे, 486 के आसपास आई थिंक इसका लो था, वहाँ से अब देखिए 789। चंदन, महानगर गैस पर क्या सलाह है आपकी? जी, काफ़ी पॉजिटिव व्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, और इनफैक्ट सारे गैस सेक्टर MGL, पेट्रोनेट, गेल, IGL, इन सब में शॉर्ट टर्म टू लेके मीडियम टर्म यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। MGL हम लगातार यहाँ पे 550 से ट्रेक कर रहे हैं, और इनफैक्ट मानना है कि यहाँ पे 900-950 तक के टारगेट भी पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार यहाँ पे हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और हर एक कंसोलिडेशन के बाद एक नई रैली देखने को मिल रहा है। इमीडिएट यदि प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो लगभग 750 के आसपास का सपोर्ट इस काउंटर में रहेगा, और ऊपर में शॉर्ट टर्म में 820, और यदि पोजिशनल कोई देखें तो 900-950 तक के टारगेट भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गेल इंडिया है, जहाँ पे हमारा मानना है 460 तक का मूवमेंट आना चाहिए। पेट्रोनेट भी सपोर्ट लेके टर्न कर रहा है, और IGL में भी यहाँ पे लगभग 875-880 तक के मूवमेंट आने चाहिए। जी हेमंत, जेट एवेज पर क्या राय है भी आपकी? 450 के लेवल्स के लो इसने टच किए थे हाल ही में, वहां से थोड़ा स्लो एंड स्टेडीली ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जरूर आया है, अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, लेकिन क्या ये मजबूती और स्ट्रेच होती हुई दिख रही है? 480 पर अभी ट्रेड कर रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा मजबूती कायम रहेगी, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सेशंस में लगातार मैं देख रहा हूं कि नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। स्टॉक बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स में से एक है। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू रिबाउंड बैक टू 475-480। तो डेफिनेटली मेरी यही सलाह रहेगी कि इसमें अभी भी थोड़ा और रूम बाकी है ऑन द ट्रेडिंग साइड ऑल्सो, तो इसको लॉन्ग पोजिशन के साथ ही ट्रीट करें एंड ट्राई टू बाय ऑन डिप्स। टारगेट शुड बी 475। बिल्कुल, थोड़ा सा बोरिंग है मार्केट। 28 पॉइंट ऊपर मिड कैप है, लेकिन बायोकॉन कंसिस्टेंटली नए हाई बनाते हुए 1000 के ऊपर भी काफ़ी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है, एंड मिड कैप जो फार्मा स्टॉक्स हैं उसमें भी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली बेस्ड ऑन बायोकॉन एंड सिंजीन, जो बाकी मिड कैप फार्मा स्टॉक्स हैं उस पर भी रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें चंदन, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड को इनिशिएट करना हो बायोकॉन या फिर सिंजीन पर, तो वो किन लेवल्स के लिए टारगेट करना चाहिए? जी हाँ, देखिए ऑलरेडी हम बायोकॉन पर डिस्कस कर चुके हैं, 1040-45 के लेवल हम इमीडिएट बेसिस पर देख चुके हैं, और वो ट्रेंड पॉजिटिव है, और ये मोमेंटम बरकरार रह सकते हैं। आज इंट्राडे में भी देखें लगभग 17-18% के ऊपर इंटरसेडेशन हुआ है, जो साफ संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्ग का प्राइस फ्लो देखने को मिल रहा है। सिंजिन काफ़ी बेहतर कंपनी है, फंडामेंटली यहाँ पे कवरेज है, और हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 650-700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग जो ये रिसेंट मूव आया था, एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला था 515-517 पे, काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था, और जैसे वो निकला यहाँ पे नया मोमेंट आया, तो सिंजिन बाय ऑन डिक्लाइन के लिए स्ट्रेटजी रखिए। 540 के आसपास मेरे हिसाब से एक बेहतर बाय बन सकते हैं, 525 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा, और वापस 565 और 590 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। जी
चोखा, ये डेल्टा को आपको देखना चाहिए क्या? क्वार्टर वन के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे थे, तब की जर्नी जो शुरू हुई वो अब तक कायम है। स्टॉक 183 पर आ चुका है, कल भी 7-8% बढ़ा था। नेक्स्ट वीक कंपनी अपने क्वार्टर टू परफॉर्मेंस रिलीज करेगी, तो जो ये जर्नी रही है क्वार्टर वन से क्वार्टर टू की, वो स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन के लिहाज से तो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन क्या ये मोमेंटम क्वार्टर टू के बाद भी कंटिन्यू हो सकता है? क्या उम्मीदें लग रही हैं? One can hold. I mean, short-term investors can hold. You know, I am quite a bullish on this, you know, game theme. So once they commission, you know, the new project, I think there could be further 5-10% upside. जी, चलिए एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर को देख लेते हैं। जो नतीजे आए हैं वो प्रोजेक्शन से थोड़ा बेटर रहे हैं, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। नेट प्रॉफिट्स कंपनी के करीब 20% के आसपास ग्रो हुए हैं, 494 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी रही है। और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजर भी मौजूद है, मिसेस सुनीता शर्मा हमारे साथ हैं, MD और CEO हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। मिसेस शर्मा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। सेकेंड क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ रही है वो 20% से ज्यादा रही है, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि होम लोन और कॉर्पोरेट लोन दोनों ही सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? हमारा होम लोन सेगमेंट जो है वो 96-97% है, जिसमें हमारा लैब भी आता है, और हमारा कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट जो है वो 3% से कम है। ऑल्सो मैम, जो क्यू ऑन क्यू प्रोविजनिंग है उसमें हमने देखा कि कमी देखने को मिली है, सो कैन वी एक्सपेक्ट एसेट इम्प्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर रहे हैं, उसमें ये कारण था लास्ट क्वार्टर में हमारा एक NPA का बड़े NPA का डेवलपर लोन NPA का बकेट चेंज हुआ था, जिसके कारण उसकी प्रोविजन बढ़ जाती है। वो इस क्वार्टर में वो नहीं था, इसलिए आपको लग रहा है कि प्रोविजनिंग बहुत कम हो गई है। इन एनी केस उसके ना होते हुए भी हमारी एसेट क्वालिटी तो हम इम्प्रूव करने की कोशिश में हमारे रहते ही हैं, उसके लिए तो हम हमेशा प्रयत्न रहते हैं। सुनीता जी, जैसा आपने अभी खुद कहा कि रिटेल और होम लोन ग्रोथ स्ट्रांग रही है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट लोन ग्रोथ है वहाँ कैसा रुझान दिखा है इस क्वार्टर में? हाँ, ये हमारे जी क्रेडिट कॉस्ट हमारी डेफिनेटली बेटर हो जाएगी, और हमारे जो होम लोन्स हैं उनके ऊपर जो हमारा हमने जितने भी हमारे पूरे कस्टमर बेस है जो हमें उसका एडवांटेज मिला था, हमने उस 30-30 basis points भी है पास ऑन टू अवर कस्टमर्स ऑल्सो। आई थिंक इट विल हेल्प द कस्टमर्स ऑल्सो, एंड द कस्टमर एक्विजिशन ऑल्सो इज हैपनिंग एट ए वेरी कॉम्पिटिटिव रेट, सो आई थिंक इट विल हेल्प द होल होम लोन मार्केट। इस बीच अगर आप यू नो कंपेयर करें जनवरी से लेकर अभी तक, जनवरी 2015 से अब तक जो टोटल रेपो रेट रिडक्शन है वो करीब 1.5% के आसपास का है। हालांकि ये बैंक्स को अफेक्ट करता है, नॉट डायरेक्टली टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, लेकिन जिस तरह का एनवायरनमेंट है, रेट एनवायरनमेंट, उससे क्रेडिट कॉस्ट पर आप इम्पैक्ट क्या देख रही हैं? एंड सेकेंडली, ओवरऑल कॉम्पिटिशन जो बैंक्स की तरफ से है ऐसे में, एंड द काइंड ऑफ डिमांड एनवायरनमेंट दैट यू आर ऑपरेटिंग इन, आप ऑपरेशनल सिनेरियो कैसा देख रही हैं गोइंग फॉरवर्ड? आई फील द बैंक्स हैव बीन देयर इन द हाउसिंग फाइनेंस सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन एट कॉर्पोरेट लोन सेगमेंट्स कॉर्पोरेट बिजनेस हैपेंस मोर फॉर बैंक्स, देन दे प्रॉब्ली आर नॉट एबल टू लुक इनटू द हाउसिंग फाइनेंस, अदरवाइज इट्स अ गुड बिजनेस फॉर देम ऑल्सो, एंड इट इज़ द ओनली बिजनेस फॉर अस, सो फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट continue to focus on this. And for us the difference is that we have a different way of distribution of home loan products, we have our feet on street, so to that extent I think there should not be much of a problem, but competition is always good for an industry. जी, चलिए शुक्रिया सुनीता जी, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और नंबर्स पर अपने कमेंट शेयर किए। स्टॉक डेलो पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट्स भी दिन के निचले स्तरों पर ही हैं। निफ्टी 8662 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, और सेंसेक्स ने ब्रीच किया है 28,000 का लेवल, 0.5% की कमजोरी, यानी करीब करीब 135 अंक नीचे सेंसेक्स अभी ट्रेड कर रहा है। प्रेशर पॉइंट्स आज जो रहे हैं वो रहे हैं बैंक्स, सीमेंट स्टॉक्स, और साथ ही कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स में भी दबाव आज के सत्र में हमने देखा है। बैंकिंग स्टॉक्स आज की वीकनेस को लीड कर रहे हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक कमजोर है, ACC में भी दबाव देखा जा रहा है। फार्मा स्पेस में भी कुछ एक स्टॉक्स रहे हैं जो कि कमजोर रहे हैं, जिनमें सन फार्मा, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1068 के स्तर पर अब आ चुका है। HDFC लिमिटेड में कमजोरी देखी जा रही है 2-2.5% की। हिंडालको, टाटा स्टील, भारतीय इंफ्राटेल, अदानी पोर्ट्स, ये तमाम वो शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 3 दिनों में अच्छा रुझान दिखाया है। अंबुजा सीमेंट एक और स्टॉक जो कि कमजोर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी 257 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। पावर ग्रिड, ICICI बैंक की कुछ और लूजर्स हैं आज के सत्र में, जो आज के कमजोर मार्केट में फिर कहें
हैं कि नेगेटिव मार्केट में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें लीड कर रहा है एसएल टेक्नोलॉजीज 833 के लेवल्स हैं, गेल 445 के लेवल्स पर, जी एंटरटेनमेंट, डॉक्टर रेड्डीज, टीसीएस, आईटीसी, एलएनटी और हीरो मोटोकॉर्प जहां पर बायस पॉजिटिव है। आखिरी सवाल होगा हेमंत, दो ट्रेड जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए या फिर पोजिशनल नजरिए से? देखिए मैं NBFCs में अभी भी काफ़ी बुलिश हूँ, तो मैं एक स्टॉक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, पहले भारत फाइनेंस। मुझे ऐसे लगता है इस स्टॉक में बहुत लॉन्ग्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, अगर आप 905 का स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं तो मेरा इमीडिएट टारगेट है 955 का, तो ये नेक्स्ट 2-3 सेशंस में ही मुझे लगता है ये टारगेट अचीवेबल है। दूसरा मैं स्टॉक एक बार देखना चाहूँगा वो है अदानी पोर्ट्स। देखिए कल स्टॉक के अंदर 15% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, आज स्टॉक मार्केट की वजह से थोड़ा नीचे है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि ट्रेडर्स को अच्छे लेवल पे एंटर करने का मौका मिलता है। मेरे हिसाब से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है अबव 279, आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रखिए 275 का और इमीडिएट टारगेट जो मुझे लग रहा है वो 290-295 का। तो भारत फाइनेंस और अदानी पोर्ट में मैं लॉन्ग पोजिशन की सलाह दूंगा 2-3 सेशंस के लिए। जी शुक्रिया हेमंत चोखा और चंदन, आप तीनों का शामिल होने के लिए, शो में सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स रखने के।